मुख्यमंत्री श्री साय गुरुवार को सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के शंकरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में चल रही मोदी लहर से घबराकर कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। वे भ्रम फैला रहे हैं कि मोदी की सरकार बनने पर संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा। मोदी की गारंटी है कि न तो संविधान खत्म होगा और न ही आरक्षण की व्यवस्था। आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को आरक्षण पूर्व की भांति लागू रहेगा। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए अब मोदी की गारंटी के बारे में दुष्प्रचार कर रही है। ओघरी महतारी बंधन योजना और किसान मन के 2 साल के बोनस और धान खरीदी जे हो लग होकर एक मुश्त राशि देख कर बात और जो हमार गरीब परिवार से हैं जीवन कर प्रधानमंत्री आवास बनना रहे जे नहीं बनत रहे वो सब चीज के बने कर गारंटी दे रहे हैं। और जैसे ही सरकार बनलक ओकर बाद में गारंटी पूरा होलक। आदरणीय हमर मुख्यमंत्री जी पहुना वे निवासी वही पहले ओमे रहत रहे ओमन कर मुख्यमंत्री निवास बन जाई रहे, लेकिन ओमन कहलाए कि हमर जो भाई मन है जीवन कर प्रधानमंत्री आवास बनना ही ओमे जब तक मैं पैसा नहीं डालू तब तक मैं मोर मुख्यमंत्री निवास में नहीं जाऊं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमर प्रधानमंत्री आवास जीवन कर नी बन भेट रहे ओकर ले पैसा डालने ओकर बाद में अपन मुख्यमंत्री निवास में गेलें। जो जो गारंटी मोदी जी दे रहे हैं वो गारंटी के पूरा कर रहे हैं। अभी अभी लोकसभा आई ही, ये लोकसभा में हमके देश में एक ऐसे मुखिया चुनना ही जे हमारे देश कर भी विकास करे और जे देश के में हमें रहत ही वहां कर संस्कृति और सभ्यता के भी सुरक्षित रखे, ऐसे व्यक्ति के हमके पुनः प्रधानमंत्री कर कुर्सी में बैठाना ही। मैं सब जन से यह आग्रह करबू कि आदरणीय मोदी जी जिस तरह से देश कर विकास के लिए हमर गरीब जनता के लिए किसान मन के लिए हमर माता बहन मन के लिए जैसा काम करत हैं, एकर बाद भी जब अंबिकापुर आई रहे तो तोहरे मन वहां जाई रहा तो एगो बात जरूर सुन होबा, कहे ले तो बहुत बात के कही हैं लेकिन एगो बात कहले कि अभी तक जो 10 साल का जो कार्यकाल रहे वो तो ट्रेलर हगे। मैं स्वर्गीय अमीन साई जी ला श्रद्धांजलि देना चाहूं। अभी 2-3 दिन पहले ही उमन के देहांत हुई से और हमें उमन के साथ में अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक रहे आदरणीय रामविचार नेताम जी भी सब हमें एक साथ विधायक रहे और हमके छोड़ के वो स्वर्गवासी हो गई। उमन के आत्मा के भगवान शांति दे और उमन के शोक संतप्त परिवार लाई शोक ला सह कर शक्ति दे। और उसी तरह से शिव शंकर मराई जी के पिताजी की भी स्वर्गवास होगी कुछ दिन पहले, तो उनके भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना है कि उमन के आत्मा के भी शांति मिले और उमन के परिवार ला भी ये गहन शोक ला सह के शक्ति भगवान प्रदान करें। आज के सभा में आप मन हमारे सबो नेता मन ला सुन चुके हैं और सारा विषय आगे से मैं तो खाली ये कहना चाहूं कि पिछले विधानसभा के चुनाव में आप मन के भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी ला मिलिस और ये सरगुजा
संभाग में कांग्रेस ला पूरी तरह से आपने साफ कर दे, पूरा सुपड़ा साफ कर दे कांग्रेस के 14 के 14 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में आपन डाल दे। एक लिए आपला बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपके ये सामरिक क्षेत्र से ही बहन उदयेश्वरी पेंकरा जिला 14,000 वोट से आपन जीता कर ले, आपला बधाई धन्यवाद। और हमारे मोदी जी ओकर पुरस्कार भी गई है, सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री भी बनाई और साथ ही साथ 3 कैबिनेट मंत्री भी बने। आदरणीय रामविचार नेताजी जी यहाँ मौजूद हैं, श्याम बिहारी जायसवाल जी और श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, ऐसे 3 हमारे कैबिनेट मंत्री। तो ये पुरस्कार हमके सरगुजा संभाग के मिले से। तो अभी मोदी जी के पारी है।